वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉइल पार्टिकल साइजेस, सॉइल फ्रेगमेंट साइजेस, राइस वराइटीज, व्हीट वराइटीज और सम वराइटीज डिपेंड्स ऑन कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आप हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फर्स्ट है सॉइल पार्टिकल अकॉर्डिंग टू USDA। क्ले का साइज है लेस देन 0.002 mm। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिल्ट 0.002 to 0.05 mm। वेरी फाइन सेंड है 0.05 to 0.1 mm। कोर्स फाइन सेंड है 0.5 to 1 mm। और वेरी कोर्स सेंड का है 1 to 2 mm, 1 to 2 mm। ये साइजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू USDA है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से है। नेक्स्ट है सॉइल फ्रेगमेंट एंड इट्स साइजेस। फर्स्ट है स्टोन का है, अगर 250 mm से ज़्यादा है तो वो है स्टोन है। कोबल का होता है 75 to 250 mm। ग्रेवल का है 2 to 275 mm। फाइन अर्थ का है लेस देन 2 mm। क्ले का है, इसमें भी क्ले का है 0.002 mm। नेक्स्ट है हाइब्रिड राइस एंड इट्स एरिया इन इंडिया। हाइब्रिड राइस वैरायटी है दोस्तों, ये है APRH1 और APRH2। सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो आंध्र प्रदेश में हाइब्रिड राइस में। MGR1, CORH2 और ADTRH2 का है तमिलनाडु में। CNRS3 है कर्नाटक में। पंत शंकर धान 1 है उत्तर प्रदेश में और सह्याद्री है महाराष्ट्र में। इसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पंत शंकर धान 1 क्वेश्चन में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायोटिक रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ राइस एंड इट्स वैरायटीज। तो बायोटिक रेजिस्टेंट जो वैराइटीज़ है, जैसे स्टेम बोरर रेजिस्टेंट वैराइटी है राइस का, वो है रत्ना, श्वेता, ADT44 और रश्मि। मल्टीपल रेजिस्टेंट, ये रेजिस्टेंट ऐसा है दोस्तों, जो अपना धान जो है वो इस ये जो स्टेम बोरर है या ये अन्य जो कीट हैं उससे प्रतिरोधक रहता है। ये है स्टेम बोरर, रत्ना, श्वेता, ADT44, रश्मि। मल्टीपल रेजिस्टेंस वैराइटीज़ हैं सुरेखा, शक्तिमान, आशा, ASD18। वाइट बेग्ड प्लांट हॉपर के लिए रेजिस्टेंस है ADT38, सरासा, शांति एंड सूर्या। कोल्ड रेजिस्टेंट वैराइटी है हिम धान, हिमालया 741, तावी और हिमालया 1। ड्राउट रेजिस्टेंट वैराइटी है सबरी, गोविंद, PMK R3 एंड अश्वनी। अगला है दोस्तों राइस का जो साइजेस हैं और उसका जो फिजिकल मेजरमेंट है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला है लॉन्ग सिलेंडर, ये है लेंथ ऑफ कर्नल जो है वो ग्रेटर देन 6 mm रहता है इसमें, और लेंथ और ब्रीथ रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रहेगा, तो ये है लॉन्ग सिलेंडर। नेक्स्ट है शॉर्ट सिलेंडर, मतलब ये है कि छोटा रहेगा और सिलेंडर रहेगा, पतला रहेगा। ये होगा लेंथ जो है लेस देन 6 mm है और लेंथ और ब्रीथ रेशियो ग्रेटर देन और या इक्वल टू 3 रहेगा, 3 से ज़्यादा या उसके बराबर। मीडियम सिलेंडर है कर्नल का लेस देन 6 mm लेंथ रहेगा और रेशियो जो रहेगा लेंथ ब्रीथ का वो है 2 to 3 mm। गोल्ड नहीं है दोस्तों, ये लॉन्ग गोल्ड है। ये आएगा लेंथ जो कर्नल है वो 6 mm, लेंथ ब्रीथ रेशियो 2.5 mm से कम, तो ये हो जाएगा लॉन्ग और बोल्ड। शॉर्ट और बोल्ड में आएगा छोटा और मोटा में 6 mm से कम उसका लेंथ रहेगा और लेंथ ब्रीथ रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 2.5 mm से ज़्यादा, तो ये इसको बोल देंगे शॉर्ट और बोल्ड। नेक्स्ट है व्हीट स्पीसीज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वीट के स्पीसीज हैं इमर वीट, ट्रिटिकम, डाइकोकम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसी से बन जाता है, इमर वीट को क्या का साइंटिफिक नेम क्या है, ये
कॉमन नेम है हिमर वीट, साइंटिफिक नेम आएगा टिटिकम डाइकोकम, जो पॉपुलरली साउथ इंडिया में ग्रोन किया जाता है। नेक्स्ट है मैक्रोनी वीट टिटिकम ड्यूरम, ये वेरी ओल्ड स्पीसीज है जो ड्राउट कंडीशन के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है कॉमन ब्रेड विथ ट्रिटिकम वल्गेयर, ये एलुवियल सॉइल में लगाते हैं इसको। इंडियन डार्फ विथ ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये है वेरी शॉर्ट और कॉम्पैक्ट हेड रहता है इसमें। मैक्सिकन डार्फ विथ जो कॉमन है इंडिया में ट्रिटिकम एस्टिवम, वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया, और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्मन इर्बरलॉक्स के द्वारा एक मेक्सिको से। नेक्स्ट है प्लाउस एंड इट्स यूजेस, फर्स्ट है चीजल प्लाउ, ये सब सॉइल ब्रेकिंग के लिए यूज़ होता है। रोटरी प्लाउ जो है वो कट और पोलराइज करने के लिए यूज़ होता है लाइट सॉइल में। रिज प्लाउ जो है अर्थिंग अप करने के लिए और रिज और फोरो लगाने के लिए, जैसे सब्जी वगैरह बोते हैं तो रिज और फोरो बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। बेसिन लिस्टर है, ये रन ऑफ को रोकने के लिए और बेसिन्स बनाने के लिए यूज़ होता है। डिस्क प्लाउ जो है वो घास काटने के लिए यूज़ होता है और गहरी जुताई डीप प्लाउइंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर ड्राउन कल्टीवेटर, ये जो है वो ड्रिस्ट वीट को ख़त्म करने के लिए और बड़े बड़े जो मिट्टी के जो ढेले बनते हैं क्लॉट्स बनते हैं उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। स्वीप कल्टीवेटर जो है ये दोस्तों ये सारे हैं सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं। स्वीप कल्टीवेटर जो है वो है ग्राउंड नट हार्वेस्टिंग के लिए और स्टबल मल्चिंग के लिए, मतलब धान का जो स्टबल बन जाता है उसको बच जाता है उसको मल्च करने के लिए और ग्राउंड नट मूंगफली को हार्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हेरोस ये सीड बेड बनाने के लिए करते हैं और वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्लैंक ये लेवल करने के लिए यूज़ करते हैं फील्ड को। स्टार वीडर जो है वो वीडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं ड्राईलैंड कंडीशन में। अगला है अफेक्टेड सॉइल्स है, डिफरेंट कंडीशंस है उसमें वीट वैराइटीज़ जो लगा सकते हैं। पहला है साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, इसमें वीट वैराइटीज़ है KRL 1 से 4, KRL 1 to 4, Raj 3077, PBW 65, KRL 19 और Loc 1, इसको हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल में लगा सकते हैं। रेन फेड और टाइमली सोन वैराइटीज़ हैं K8027, सुजाता N59 और HW 2004। हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में वीट वैराइटी जो लगा सकते हैं वो है HPW 42, HS 365। वेरी हाई एल्टीट्यूड में HS 365 और डाइकोकम वीट जो तमिलनाडु हिल्स में लगाते हैं वो है NP 200, DDK 1001, DDK 100। और अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी हम लोग एग्ज़ाम एग्रीकल्चर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।